स्टार्ट। सी आज ईएमएफ डिवाइस सीखना है, ईएमएफ सीखना है, टर्मिनल वोल्टेज सीखना है, फिर सर्किट सॉल्व करेंगे एनर्जी मेथड से एंड पोटेंशियल मेथड से। सी ईएमएफ, ईएमएफ क्या होता है? सपोज देयर इज अ रेजिस्टर, दिस बी अ रेजिस्टर, यू हैव टू फ्लो अ करंट थ्रू इट, यू वांट टू फ्लो करंट थ्रू इट। This can be done only by maintaining potential difference. As we know, current flows due to potential difference, right? So if you want to flow current through this, you need to maintain potential difference between these two points. Now question is how to do that. So for that, either you remember, if you remember in last chapter, we have studied a capacitor, right? Either you connect a charged capacitor, connect kar do, to wo charged capacitor kya karega? Will send some charge through it, right? That is, kuch current through send kare. But as it sends current through this resistor, its potential difference goes on decreasing. Ye discharge hone lagega dheere dheere, agar aapko yaad ho to. So ye dheere dheere discharge hone lagta. As a result, iska charge kam hone lagega, right? Kam ho jayega charge, aur kam ho jayega, and finally it will. So what I need is a device. What I need is a device which can pump charges maintaining potential difference. So what we need is a device which can pump charges maintaining potential डिफरेंस, ऐसा कुछ करना है। क्या हमने एक चार्ज पंप लाना है, मतलब एक ऐसी डिवाइस लानी है जैसे, दो नॉट वेरी लॉजिकल बट फिर भी मैं आपको एक एनालॉजी देता हूँ। सपोज देयर इज अ टैंक, ठीक है, एंड देयर इज अनदर टैंक, यू वांट टू ट्रांसफर वाटर फ्रॉम वन टैंक टू अनदर, ठीक है। तो यहाँ पे पानी भरा हुआ, कब तक वाटर इससे इसमें आएगा, कब तक इस पाइप से वाटर फ्लो होगा? जब भी दोनों का लेवल बराबर नहीं हो जाता, राइट? आफ्टर सम टाइम व्हाट विल हैपन, लेवल ऑफ द वाटर इन द टू कंटेनर्स विल बी इक्वल। नाउ अब फर्दर फ्लो होगा वाटर, अभी फर्दर फ्लो होगा नहीं, नहीं होगा। बट इफ यू यूज अ पंप विच विल सेंड some water back to this tank, अगर आप एक पंप लगा देते जो थोड़ा पानी वापस इसमें डाल देते, तो यहां से निकाल के पानी वो क्या कर रहा है, इधर डाल रहा है। नेचुरली यू विल थिंक कि सर ये टाइम पास करा रहेगा, पहले पानी भरने का, फिर अपना सा एनर्जी खर्च करके फिर उधर पंप करने का, फिर टाइम पास करके जल में उसको अगर अपन छोड़ दें। यहाँ पे तो हमारा पर्पस आपको कुछ मतलब एक्चुअली इलॉजिकल लग रहा है, एक्सेप्ट फॉर मैं अपने घर में फाउंटेन डिजाइनर बनना हूं, वो बात दूसरी है, अदरवाइज इट लुक्स इलॉजिकल। बट हियर मेरा इंटरेस्ट इसमें है कि बस फ्लो बना रहे, वही मेरा मतलब, माय इंटरेस्ट इज कि फ्लो बना रहना चाहिए, किसमें, इन केस ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। आ रहे समझ में? तो यहाँ पे अगर ये पंप नहीं होता था तो दोनों पोटेंशियल डिफरेंस सेम होने का, वॉटर करंट बंद हो जाता था। बट if you use a pump which will send some water back to the host tank, then this flow will continue till infinite. So pump kya kar raha hai, wo pressure difference banaye hue hai basically, right? Pump kya ho, pressure difference banaye hue hai. Okay, to ye just analogy ke liye tha, ab isko bhul jao thodi dekh lete. Aisa hi kuch main yahan karna cha raha. If I use a capacitor, to jab tak पोटेंशियल डिफरेंस दोनों प्लेट्स के बीच में बना हुआ, वो चार्ज सेंड करेगा, एंड आफ्टर सम टाइम व्हेन पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन देम इज जीरो, इट विल स्टॉप सेंडिंग चार्ज। सो व्हाट आई नीड इज अ चार्ज पंप व्हिच विल सेंड चार्ज थ्रू दिस व्हाइल मेंटेनिंग पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस को चेंज नहीं होने देगा। आ रहा है मजा? कुछ बोल दो बेटा, आ रहा है समझ में? मुझे क्या जरूरत है,
कोई बोल ही नहीं रहा है। अरे एक ऐसा डिवाइस चाहिए, बोल भी नहीं रहा, कैसा पता चलेगा बता। सी व्हाट आई नीड इज अ पंप ऑफ चार्ज, जो चार्ज को पंप करे इस रेजिस्टर के थ्रू वाइल मेंटेनिंग पोटेंशियल डिफरेंस। कैपेसिटर जैसा ना हो कि पोटेंशियल डिफरेंस खत्म हो, इट शुड मेंटेन पोटेंशियल डिफरेंस। हाँ समझ गया, बस कर दो इसके। सो आई नीड पंप चार्ज विच विल सेंड द चार्ज विदाउट लूजिंग इट्स पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब मेंटेन रखेगा पोटेंशियल। And what is that? That device is known as EMF device. वही है EMF device. तो EMF device एक ऐसी चीज है जो charge pump करता है through a resistor while maintaining its potential difference. Potential difference को गिरने भी नहीं देता, right? Sometimes it's also read as seat of charge. इसको कभी कभी seat of charge भी बोलते हैं। And ordinary language में cell battery जो कुछ भी बोल लो, right? Otherwise it is actually EMF device or source of EMF, right? EMF here is read as electromotive force. EMF is electromotive force. ठीक है? See, remember अभी तक हमने potential difference की बात करी है पिछले chapter में, which will develop electric field. But I have never used the word EMF, right? वो तो मैंने पिछले चैप्टर में आपसे assume किया कि कोई ना कोई चीज होगी जिसने potential difference maintain कर रखा दो points के बीच, right? Ohm's law के help से हमने circuit solve करना भी सीखा, potential difference लगाया, current वारंट सब कर लिया। But now I'm talking of EMF device or EMF. So EMF So now, first time you're talking of electromotive force. So what does electromotive force, EMF or electromotive force? See, what you need is, what you have discussed in the previous chapter is, previous chapter mein humne discuss kiya tha, potential difference apply karne se electric field ban jata hai. Electric field aisa ban gaya, right? And this electric field exerts force on charged particles. तो चार्ज पार्टिकल्स ऐसे मूव करने लगते। नाउ माय क्वेश्चन इज व्हाट सप्लाइज और हु सप्लाइज द एनर्जी टू देम फॉर मोशन। आपने ये भी पढ़ा था पिछले चैप्टर में पावर डिलीवर्ड में कि इलेक्ट्रॉन्स टकराते हैं, काइनेटिक एनर्जी खत्म हो जाती है, तो फिर उनको एनर्जी देता कौन है। 11th में भी हमने मोशन में दो एस्पेक्ट देखे थे, वन वॉज फोर्स एंड अदर वॉज एनर्जी, रिमेम्बर कि भूल गए। हेलो कौन है मिथिलेश? हाँ सर। हाँ क्या बोल रहा है, बोलना। सर सेल सप्लाई करती है ना एनर्जी। हाँ हाँ बेटा वही तो डिस्कस करना है, वही तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बनेगा ना। सी मैं क्या बोल रहा हूँ, पिछले चैप्टर हमने फोर्स के टर्म्स में बात नहीं किया क्या? फोर्स एफ लगता है ई ई इटसेल्फ इज वी बाय डी, फिर एक्सेलरेशन निकाला था ई ई बाय एम। ये तो पिछले चैप्टर में हमने फोर्स के टर्म्स में बात करी थी, इस चैप्टर में हम लोग मतलब अभी अभी वी आर डिस्कसिंग एनर्जी एस्पेक्ट से, एनर्जी का क्या रोल है, कौन एनर्जी सप्लाई करेगा, वो एनर्जी कहाँ यूज हो रही है, वो सारी चीजें हमने पढ़नी है इसमें। आपको लगेगा ऑलमोस्ट यही चीजें सर आपने पिछले चैप्टर में पढ़ाई। सुनो ये चीज पहली बार बता रहा हूँ, ये मैं इसके ऊपर क्वेश्चन आते हैं, बोर्ड में भी आते हैं, जेई में भी आते हैं, नीट में भी आते हैं सब। सो ये मैं सो See, suppose there is a so EMF provide कौन करेगा? Source of EMF, that is EMF device, which is also read as sometimes seat of charge, right? Now, suppose there is a cell, cell, और ये क्या करता है? एक resistor है, ऐसे connect कर दिया आपने, ये क्या करता है? यहां से पॉजिटिव चार्ज को पंप कर रहा है थ्रू दिस, थ्रू दिस एंड थ्रू दिस। तो सपोज करो देयर इज अ रेजिस्टर, ये रेजिस्टर है, इसमें करंट आई फ्लो हो रहा है, तो डी टी सेकेंड्स में इससे जो चार्ज पास हुआ है डी क्यू, राइट? डी टी सेकेंड्स में सम चार्ज पासेस थ्रू देन रेजिस्टर एंड से दैट चार्ज इज
डी क्यू। तो नेचुरली इसके अंदर भी कुछ चार्ज पास हुआ होगा, वो कितना होगा, वो भी डी क्यू होगा। इन प्रीवियस चैप्टर वी हैव डिस्कस इफ सम चार्ज पासेस थ्रू दिस पार्ट देन सेम अमाउंट ऑफ चार्ज पासेस थ्रू द सेल ऑल्सो, राइट। तो यहां से भी डी क्यू पास हुआ और इसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना था, लेट अस डिवाइड बाय ई। तो वर्क डन कितना हो गया, वर्क डन इज ई डी क्यू, वर्क डन बाय सेल इज ई डी क्यू, दैट इज ई आई डी टी, या ये समझ लो इसको आई डी टी कहा जा रहा है। ई इज व्हाट, डी डब्ल्यू बाय डी क्यू। ये जो चीज है ना, दिस इज ईएमएफ। अब इसका मतलब समझाता हूं, सी ये वर्ड आप बोलोगे सर ये तो पोटेंशियल डिफरेंस है, द सेम वर्ड वाज पोटेंशियल डिफरेंस, नहीं? हाँ सर। वर्क डन पर यूनिट चार्जेस अगेन पोटेंशियल डिफरेंस, तो ये कहां से नया ईएमएफ वर्ड आ गया, तो आई विल एक्सप्लेन। सी यहां पे ध्यान देना, बड़ा इंपॉर्टेंट सी चीज है। सपोज करो देयर इज अ टैंक एंड स्वदेश मूवी में हमने देखा था शाहरुख खान ने ऐसा एक पाइप लगाया था, इधर जनरेटर लगाया था, राइट। तो ये टैंक है, यहाँ से पानी आएगा नीचे और इधर जनरेटर है, टर्बाइन घुमा के आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी प्रोड्यूस करते हो, ऐसा हमने पढ़ रखा, नहीं ऐसे पढ़ा ना। अब सवाल ये कि पानी ऊपर जाएगा कैसे, ये पानी उस टैंक में कैसे पहुंचेगा, बोलो सर क्या, और एक बार। अरे स्वदेश मूवी नहीं देखा तूने, शाहरुख खान ने ऊपर टैंक बिठाया था, उस पर एक पाइप लगा, नीचे जनरेटर लगाया था, पानी नीचे आता था फिर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करता था। हे भगवान, अरे मत देख मूवी भाई, इसको तो देख कम से कम। हाँ सर, इसमें इलेक्ट्रिसिटी जनरेट होगी कि नहीं, इलेक्ट्रिकल एनर्जी मिलेगी कि नहीं मिलेगी। हाँ हाँ हाँ। मेरा क्वेश्चन है कि पानी यहाँ जाएगा, हाँ। कैसे पानी यहाँ कैसे मिलेगी, सर हमको क्या करना है, पहले क्या बोल रहा है सर, पहले ही डाला होगा ना। अरे खत्म हो गया, आप कहाँ से आएगा, मोटर से वापस से ऊपर जाएगा पाइप से, इधर से कोई आदमी लेके जाएगा इधर पे पानी डालेगा, ठीक है। तो इसने वाटर की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ाई है, राइट, और वही पोटेंशियल एनर्जी आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिकल एनर्जी बन के मिलेगी। साइकिल समझ में आ रहा है? हाँ सर। पक्का? हाँ सर। ओके, अब यहाँ पे दो चीज है, एक है जो वाटर की पोटेंशियल एनर्जी आपको मिल रही है, पोटेंशियल एनर्जी जो आपको मिल रही है वो, और एक है जो इस गरीब ने यहाँ पे जाने के लिए पानी लेके खर्चा किया होगा। डू यू थिंक बोथ ऑफ देम विल बी सेम, एक आदमी अगेंस्ट ग्रेविटी पानी बकेट में भर भर के ऊपर ले जा रहा है, राइट, और वो ऊपर टैंक में डाल रहा है, तो उसने कुछ वर्क किया अगेंस्ट ग्रेविटी, राइट, फिर आपको यहाँ पे कुछ एनर्जी मिल रही है, वाटर की पोटेंशियल एनर्जी। तो मेरा क्वेश्चन है, आर द टू क्वांटिटीज इक्वल, प्रैक्टिकली सोचना है आपको, और अगर नहीं है तो क्यों नहीं है, क्या फर्क आ रहा है ये बताना आपको। तो वाटर नीचे आ रहा है वो ग्रेविटी के, ग्रेविटी को अपोज नहीं कर रहा है, और जो ऊपर तो पानी लेके जा रहा है वो ग्रेविटी को अपोज करके पानी का वेट भी उसके है, तो ज्यादा एनर्जी हो रही है। इससे ऐसा निकाल दो, इसमें रख तो तेरे को ऐसे तीन बार मारू है, क्या बात कर, कुछ भी बोल रहे तू, बाय क्वेश्चन रिपीट कर। अरे मैं पूछ रहा हूँ मेरे भाई, यहाँ पे एक आदमी है, ये मेहनत करके गरीब आदमी पानी बकेट में भर भर के ऊपर लेके जा रहा है और ये पानी बाद में नीचे आ रहा है, तो यहाँ पे आपको इलेक्ट्रिकल एनर्जी में जो चीज कन्वर्ट हो रही है वो पोटेंशियल एनर्जी ऑफ वाटर, और इस आदमी ने कुछ अपना वर्क किया है अगेंस्ट ग्रेविटी। आपसे प्रैक्टिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कि द टू क्वांटिटीज वर्क डन बाय दैट मैन इज इट सेम एज द एनर्जी रिसीव्ड बाय द जनरेटर? नहीं। हाँ तो वही तो आपको बताना, कौन ज्यादा है कौन कम है, क्यों ज्यादा है क्यों कम है, वही बताना आपको, प्रैक्टिकल क्वेश्चन है।
प्रैक्टिकल बोल रहा है, थियोरेटिकल बोल लो, कुछ भी बोलो। हाँ नहीं बता पाए तो बड़ी शर्म की बात है। हे भगवान, आज टॉपिक खत्म होगा कि नहीं होगा? एहसास हमारा वर्क ज्यादा होगा, हमारा वर्क ज्यादा होगा, हमने काम ज्यादा किया रिटर्न कम मिलेगा, ऐसा ही तो हमारे साथ एग्जाम्स में भी होता है। नहीं, हम काम बहुत करते नंबर नहीं मिलते हैं, तो हमारे साथ हमने जो वर्क किया दैट इज मोर। प्रैक्टिकली अगर आप एक्सप्लेन करो ऐसा क्यों हुआ है तो आंसर करेक्ट, क्यों ऐसा हुआ हुआ? क्योंकि हम ग्रेविटी के अगेंस्ट जा रहे हैं, तो उसमें उधर भी वर्क हो रहा है और ये देने का भी वर्क हो रहा है। तो यार पता नहीं क्या बोल रहा है, हो सकता है कुछ बोल रहा है वो, पानी कैरी करने में भी वर्क हो रहा है और अगेंस्ट ग्रेविटी जाने में भी वर्क। पानी कैरी करने, कहां कैरी करना बेटा, वो तो अगेंस्ट ग्रेविटी ही तो कैरी करना है ना। अरे भाई मेरा कहने का मतलब है आप प्रैक्टिकली सोचो कि क्यों एनर्जी नहीं मिल रही। भाई मैंने जो वर्क किया वो वहां पे एनर्जी बन के क्यों नहीं मिल रही है? छोड़ो नहीं बता पाओगे तुम लोग लगता। अरे मैं अपना शरीर भी तो उठा के ले जा रहा हूँ, अपनी बॉडी भी तो लिफ्ट कर रहा हूँ ना मैं। अब मैं थोड़ी ना टैंक में पानी के रास्ते से वापस बाहर आ रहा हूँ। पॉइंट है सर, पॉइंट है। बकेट भी लेके जा रहे हो आप, बकेट भी रास्ते में क्या होगा? मसल्स में हीट भी प्रोड्यूस होती है। जो रियलिटी में आपका बॉडी के अंदर जो वर्क आपने किया है, बॉडी गर्म हो जाती है ना वर्क करने से, वो हीट एनर्जी कहां से है? आपके बॉडी के अंदर की एनर्जी है ना, कि सन से अब्सॉर्ब किया नहीं ना, तो आपके बॉडी के अंदर की एनर्जी है, तो वो भी तो खराब हुआ ना। मसल्स एक्सपैंड होगी, कॉन्ट्रैक्ट होंगी, उसमें भी कुछ एनर्जी जाएगी। हेलो, तो ऑल टुगेदर आपने वर्क किया 100, रिटर्न में वाटर के थ्रू मुझे मिला 60। ठीक है सर। दो एनर्जीज, दो वर्क यहां इन्वॉल्व है। एक तो जो आप उस टैंक में वाटर रीस्टोर करने के लिए दे रहे हो, और दूसरा जो उस वाटर, जो टैंक में वाटर स्टोर होगा वो जब नीचे आएगा उससे जो मुझे एनर्जी मिलेगी। तो दो एनर्जीज इन्वॉल्व है, ठीक है, राइट ना? ये है एक, और ये यहां से यहां जो मैं लेके गया हूं वो एक। नेचुरली वर्क डन बाय दिस मैन विल ऑलवेज बी ग्रेटर देन द एनर्जी व्हिच आई गेट एट द आउटपुट एंड, ठीक है? वो कई रीजन से कम, मतलब ज्यादा उसने बेचारे काम किया होगा, रिटर्न उसको ज्यादा कम मिलता है। ओके, अब चलते हैं वापस। अब क्या होता है, ये ईएमएफ डिवाइस, ये ईएमएफ डिवाइस क्या करता है, एनर्जी सप्लाई करता है किसको? 1 कूलम को। समझो दिस इज 1 कूलम। सो 1 कूलम को ये सेल क्या करता है, एनर्जी सप्लाई करता है टू मूव अलोंग द फील्ड। यहां पे एक फील्ड सेट हो गया, यहां पे एक फील्ड सेट हो गया, राइट? ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड सेट है, यहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड सेट है। एज अ रिजल्ट एक सेल है, सॉरी इस इलेक्ट्रिक फील्ड में पॉजिटिव चार्ज है, अज्यूम कर रहा हूं प्लस 1 कूलम चार्ज है, ये एनर्जी इस सेल से लेता और यहां ऐसा फ्लो करता, ठीक है? अब देखो ईएमएफ डिवाइस का एक टर्मिनल हायर पोटेंशियल पे है, दूसरा टर्मिनल लोअर पोटेंशियल पे है, तो ये वाला जो फ्लो है ये तो आपको नेचुरल लग रहा है, लग रहा है कि नहीं लग रहा? क्यों नेचुरल लग रहा है? हमने बोला इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है तो नेचुरली उस पर क्या हो गया, चार्ज 1 कूलम चार्ज इस पर मूव कर रहा है। बट हमने सुना है कि पूरा चार्ज एक साथ घूमता है, तो एक जादू वाली चीज कभी आपने सोची, ये सेल के अंदर भी तो प्लस 1 कूलम चार्ज यहां से यहां आता है, सेल बड़ा लगा देता है। ये प्लस 1 कूलम चार्ज जब यहां से यहां आया उस बीच में प्लस 1 कूलम चार्ज अंदर भी तो मूव हुआ कि नहीं मूव हुआ? तो अंदर मूव होने वाली चीज आपको थोड़ा सा अजीब सी नहीं लगी? बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसा है, बाहर जो चार्ज घूम रहा है ये तो अलोंग द फील्ड जा रहा है, जो नेचुरल पॉजिटिव चार्ज अलोंग द फील्ड ही जाता है, यहां कैसे चार्ज जा रहा है? यहां से
क्वेश्चन समझा या मैं एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा? मेरा क्वेश्चन है प्लस वन कूलम चार्ज यहां से यहां जा रहा है, राइट? तो पूरे उसमें घूम रहा है ना. इफ वन कूलम चार्ज पासेस थ्रू दिस सेक्शन, देन इवन वन कूलम चार्ज एंटर्स द सेल एंड लीव्स द सेल. ऑपोजिट इसमें जा रहा है ना. हाँ, तो अपोजिट कैसे चल पा रहा है पॉजिटिव चार्ज? तो सेल वर्क करते है उसपे. वही ईएमएफ है. तो इनसाइड सेल पॉजिटिव चार्ज मूव्स फ्रॉम लोअर पोटेंशियल टू हायर पोटेंशियल. आकाश अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट जाता है, राइट? ये कैसे करता है? There is a mechanism inside this EMF device. There is a mechanism in source of EMF device which converts some form of energy. ये मैकेनिज्म क्या है ये आप इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में पढ़ोगे. सम फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो सोलर भी हो सकता है, वो केमिकल भी हो सकता है, वो मैकेनिकल भी हो सकता है, कोई तो एक फॉर्म का एनर्जी होगा, मैकेनिकल हो सकता है, टू इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज. While sending it against electric force. पता नहीं ग्रामर में कुछ शायद गड़बड़ हो गई. There is a mechanism in the source of EMF device which converts some form of energy, solar chemical or mechanical, to electrical potential energy of charge while sending it against electric force. ये देखो समझो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये पॉजिटिव चार्ज है, राइट? प्लस वन कूलम मिले. इसको अगर मैं यहां से यहां उठा के लाऊंगा तो विल आई हैव टू डू सम वर्क? मुझे वर्क करना पड़ता है ना. तो वर्क कहाँ जाता था? इफ आई अस्यूम देयर इज नो इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, वो वर्क कहाँ जाता धीरे धीरे लेके आ रहा हूँ? हीट. सब भूलते जा रहे हैं, इलेक्ट्रोस्टैटिक साइड ही रख दिया है क्या बता? सर वापस बोलो क्वेश्चन. अरे यहां से ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है. मैं ए से बी प्लस वन कूलम चार्ज लेके आया, मुझे कुछ वर्क करना पड़ा था ना. वो वर्क कहां जाता था? अरे भगवान मत करो ऐसा यार, मत करो. पोटेंशियल एनर्जी, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ चार्ज. एक पॉजिटिव चार्ज जब फील्ड के अगेंस्ट जाता था पोटेंशियल राइज नहीं होती थी, फिर यहाँ रिलीज करते थे तो भाग के इधर जाता था, काइनेटिक एनर्जी बढ़ता था. क्या कर रहा है? तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ता था. वही चीज यहाँ सेल के अंदर हो रही है. सेम थिंग इज हैपनिंग इनसाइड सेल. क्या हो रहा है? फील्ड यहाँ ऐसा है और वन कूलम चार्ज यहाँ ऐसा जा रहा है, तो वो चार्ज की पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देता है. कौन? सेल. सेल क्या करता है? प्लस वन कूलम चार्ज यहां से यहां लेके जाता है, उस पर कुछ वर्क करता है, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी को बढ़ा देता है. एक बार आपने यहां तक पहुंचा दिया, फिर मस्त अपना चार्ज यहां से घूम के आ जाता है. दिस इज एज गुड एज देयर वाज अ टैंक ऑन टॉप ऑफ अ माउंटेन. एक आदमी यहां से पानी लेके अगेंस्ट ग्रेविटी यहां डाल देता था. एक बार पानी उसने यहां पहुंचा दिया, फिर उसके बाद आप उसकी पोटेंशियल एनर्जी को यूज कर लेते हैं. समझा? हाँ सर. तो ये जादू हो रहा है अंदर. सोचो सेल
कैसे वर्क कर रहा होगा कि अंदर वो उठा के यहां से यहां लेके आता चार्ज कर, उसकी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी बढ़ा देता है और फिर यहां से मस्त मक्खन की तरह वो अपने आप से घूम के इधर आता है। नहीं आ रहा समझ में? हाँ सर। हाँ सर। ओके, अब मेरा सवाल ये है कि डू यू थिंक जो सेल वर्क कर रहा है यहां से यहां चार्ज को लाने में,